आज तो मुझसे ही जुड़ी हुई है। अब तक जो मैं देख नहीं पा रहा था, मेरी पूछ मुझसे जुड़ी हुई थी। देखो, अब तुम मुझसे कभी नाटक नहीं करना। मुझे मेरी पूछ मिल गई। समझ गए। अभी तुम कहीं भी छुपना मत। ये मेरा आदेश है और मेरा आदेश तुम्हें मानना ही होगा, क्योंकि तुम मारुति की पूंछ हो। क्या तुम सच में मेरी पूंछ हो? अरे, तुम तो सुन भी रही हो और समझ भी रही हो। अच्छा, तुम्हें तो बोलना भी आता है और तुम लंबी भी हो और सुंदर भी। वो तो होना ही है, क्योंकि तुम मारुति की पूंछ हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब मैं भी तुमसे अपने सारे काम करवाऊंगा, जैसे सभी अपनी अपनी पूंछ से अपना काम करवाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। हाँ, तुम्हें भी मेरा कहना मानना होगा। मानना ही होगा, जैसे सबकी पूंछ उनका कहना मानती है। समझ गए ना? अब से मैं तुम्हारा स्वामी और तुम मेरी पूछ। अरे, ये तो मना कर रही है। वह वानर ही क्या जिसकी पूछ उसके वश में ना रहे। करवाता हूँ। करो। अरे, शीघ्र ही। अरे, मैं कोई छिछोली नहीं कर रहा हूँ। चलो, अभी आवरण को ठीक करो। चलो, तुम अपने स्वामी का कहना नहीं मानती? क्यों नहीं मानती? अवश्य तुम्हें अभी कार्य करने का अभ्यास नहीं होगा। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है? ये ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है? अब तो तुम मेरा कहना मानोगी। चलो, अब इस आवरण को ठीक करो। मैंने अभी तो तुम्हें अभ्यास करवाया, तो तुम मेरा कहना क्यों नहीं मानती? क्या मैं अभी छोटा बालक हूँ इसीलिए? चलो, मैं अभी तुम्हें किसी बड़े की पूंछ से मिलवाता हूँ, तो ही तुम्हें समझ में आएगा और तब तुम मुझसे हट नहीं करना। चलो। अरे वाह, इसकी पूंछ तो कितना काम करती है, पर मेरी पूंछ तो मुझसे हट करती है। तुम कहाँ गई?
ये ठीक नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा नहीं तो मैं सबसे पीछे रह जाऊंगा। उसका कहना मान रही है और इतने कठिन कठिन कार्य कर रही है। तुमने देखा ना उन्होंने क्या किया, बिल्कुल वैसे ही करना। इस पुष्प पात्र में से मुझे एक पुष्प निकाल कर दो। काम सीखने के बाद ना नहीं कह सकते तुम। चलो निकालो फूल। शीघ्र करो। अरे मैंने तो एक पुष्प उठाने को कहा था, पूरा पुष्प पात्र उठाने को नहीं कहा था। छोड़ो छोड़ो ना। अरे कहीं गिर गया तो टूट जाएगा, छोड़ो उसे। अरे छोड़ो इसे, छोड़ो छोड़ो। अरे ये क्या कर दिया, पूरा पुष्प पात्र ही तोड़ दिया। अब मुझे माँ की डांट अवश्य सुननी पड़ेगी। माँ अब क्या करूं? थक गई। तुम्हें पाठशाला भेजना ही पड़ेगा। ये कोई हंसी का समय नहीं है। अरे रे, कहाँ जा रहे हो केसरी नंदन? ये दूध कौन पिएगा? की ऐसी दयनीय दशा किसने की? ऐसा क्या भूचाल आया है? अब बताओ, क्या मैं बता दूं तुम्हारा नाम माँ को? माँ, ये मारुति ने किया है। मारुति ने किया? पर क्यों? माँ, आपके पुत्र को उसकी पूंछ मिल गई, इसीलिए वो आज बहुत प्रसन्न है। और उसकी प्रसन्नता देखकर आप भी प्रसन्न होंगी ना माँ? नहीं। मैं तनिक भी प्रसन्न नहीं। माँ की प्रसन्नता अवश्य ही पुत्र की प्रसन्नता में छुपी होती, किंतु ऐसा पुत्र जो सुशील हो, सरल और आज्ञाकारी हो, किंतु
मैं तो आपका पुत्र हूँ ना। देखो देखो, क्या मैं सुशील, सरल और ज्ञानी नहीं हूँ? क्या देखो? यदि तुम सुशील, सरल और ज्ञानी होते तो इस कक्ष की ऐसी दशा निश्चित ही नहीं बनाते। रुष्ट हो जाने से कोई बात नहीं बनेगी। अब जब तुम इस कक्ष को पुनः व्यवस्थित करोगे, तब तुम्हारी माँ अपने प्यारे पुत्र से बात करेगी। क्या क्या करना पड़ रहा है? और मैं कभी रुष्ट नहीं होती थी मुझसे, और देखो आज तुम्हारे कारण वो मुझसे रुष्ट हैं। जब तुम मुझे मिले थे इतना प्रसन्न हुआ था, और अब देखो कितना काम करना पड़ रहा है। मुझसे रुष्ट नहीं होना। देखो पूरा कक्ष व्यवस्थित हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। जल्दी से दूध पी लो। पता है ना, दूध पीने से मारुति बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। अपने पिताश्री के समान धैर्यवान और बलवान बन जाएगा। सचमुच माँ? हाँ, लेकिन दूध पीने के बाद। माँ पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, फिर ही मैं दूध पीऊंगा। पहले दूध, उसके बाद आप जो भी प्रश्न पूछोगे मैं अवश्य उसका उत्तर दूंगी। नहीं, पहले प्रश्न। नहीं मारुति, पहले दूध। पता है जो अच्छे बालक होते हैं ना, वो सदा अपनी माँ की बात सुनते हैं। और आप तो सबसे अच्छे बालक हो, है ना? भी कभी कभी बालकों की तरह हट करती हैं। अरे रे, पूरा पियो। दूध बालक के मस्तिष्क और उसके शरीर के विकास के लिए अति आवश्यक है। संतान को सही दिशा और व्यवहारिकता बताने का धर्म माता पिता का ही होता है। जैसे किसी कोमल लता को सहारा देकर उसे दिशा देते हैं और वह आगे बढ़कर फलती फूलती है। समझ रहे हो ना? किसी भी बालक को अपने जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षा बाल्यावस्था में ही सीख लेनी चाहिए, तभी वह लंबी अवधि तक स्मरण रहती है और बालक के सारे रास्ते सरल हो जाते हैं और वो अपने जीवन के उच्च शिखर तक अवश्य पहुंचता है। समझ गए ना?
चलो अब शीघ्रता से दूध पी लो। देखो कैसी मूंछ बन गई है तुम्हारे होठों पर। अच्छा माँ, मेरे होठों के ऊपर मूंछ है। किंतु माँ, आप ये बताओ मैं पाठशाला कब जाऊंगा? पाठशाला? पाठशाला तो आप तब जाओगे जब आप बड़े हो जाओगे। अभी तो बहुत छोटे हो। पर माँ, आपने ही तो कहा कि मेरे होठों के ऊपर मूंछ है, तो अब मैं छोटा बालक कहाँ रहा? नटखटपन में तो नन्हे मारुति हमारे प्रभु से किसी भी प्रकार से कम नहीं थे, इसीलिए अंजना और केसरी उन्हें अपनी सुरक्षा में रखते हुए और भी अधिक सतर्क थे। नटखट बालक, वो भी वानर और उससे भी अधिक अलौकिक शक्तियों का ज्ञाता। ऐसे में अंजना की दशा बड़ी विचित्र थी। वो अपने पुत्र की सुरक्षा में सतर्क तो थी ही, किंतु एक और विचित्र चिंता उसे मन ही मन में खाए जा रही। पाठशाला गए बिना ये ना समझ कुछ सीखेगी कैसे? इसे तो पाठशाला भेजना ही पड़ेगा। मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम्हें कौन सा पाठ दूं, किंतु तुम तो दिखती बड़ी हो पर तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल बालक जैसी है। पूंछ की समस्या का समाधान ढूंढने मारुति पाठशाला चले गए। प्रातः निद्रा से जागने के पश्चात और भू पर पैर रखने के पूर्व भू देवी से क्षमा मांगनी। क्षमा मांगने का मंत्र है समुद्र वसने देवी पर्वत स्थन मंडिते। समुद्र वसने देवी पर्वत स्थन मंडिते। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शे क्षमस्व मे। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादं स्पर्शं क्षमस्वमेव। समुद्र वसने देवी पर्वत स्थन मंडिते। समुद्र वसने देवी पर्वत स्थन मंडिते। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शे क्षमस्वमेव। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शं क्षमस्वमेव। यही मेरे बिना रह नहीं पा रहा है, बेचैन है तू। अब मेरे मुंह में आकर ही चैन मिलेगा तुझे। आजा, आजा, शीघ्र आजा। हाँ।
केसरी पुत्र, तेरी भी यही दशा होने वाली है। तेरा पिता केसरी कितना भी यत्न कर ले, अब मेरी पकड़ से बच नहीं सकेगा। तुझे देखकर, तुझे खाने की, तुझे चबाकर निगलने की मेरी लालसा बढ़ती ही जा रही है। मारुति के नामकरण संस्कार से लौटने के पश्चात सुग्रीव के सम्मुख भी एक विचित्र व जटिल समस्या आ खड़ी हुई। चलो भैया, आज पुनः गदा अभ्यास हो जाए। गदा अभ्यास करना चाहता है मुझ महानतम के साथ? चाहता क्या है तू? क्षण भर में ढेर कर दूंगा तुझे। अभी गदा अभ्यास का आभास कराता हूं। तो बांध इसे अपने नेत्रों पर। तू भी क्या कहेगा, आज तेरी भी इच्छा पूरी कर देता हूं। हाँ हाँ भैया, आपके लिए तो कुछ भी। तैयार हो, किंतु सावधानी अवश्य रखना। मैं अपने प्रहार में कभी भी कंजूसी नहीं करता। हाँ हाँ भैया, तैयार हूँ। पर भैया, आज तो मैं ही जीतूंगा। क्यों? आज तुम्हारी सहायता वो मायावी करेगा क्या? वो मायावी मरकट जिसके दूध के दांत अभी टूटे नहीं, वो तुम्हारी सहायता करेगा। भैया, ये गदा प्रतियोगिता तो आपके और मेरे बीच में है, इसमें मारुति को बीच में लाने की क्या आवश्यकता है? उस मरकट को बीच में तुम ला रहे हो सुग्रीव, मुझे उत्तेजित करने के लिए, ताकि मैं स्पर्धा हार जाऊं। किंतु ऐसा संभव है ही नहीं, कोई है ही नहीं जो मुझ महानतम वाली को हरा सके, और ना ही कोई होगा। स्मरण रखना, मरकट के आने के बाद तुम बदल गए हो सुग्रीव। आज से पहले तुमने मेरा कहना कभी नहीं टाला था, मुझ पर कभी अविश्वास नहीं किया था, पर आज पहले जैसी बात नहीं रही। मैं बदला नहीं हूं भैया,
मैंने सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ा और आज भी नहीं। उस मासूम बालक से बैर आपको शोभा नहीं देता भैया, वो तो केवल एक बालक है। मासूम बालक है, यही कहा है ना तुमने? हाँ। उस मासूम को याद कर आपका मुझ पर गदा प्रहार और क्यों बढ़ जाता है भैया, कि आपके मन में उसके लिए इतना बैर है? क्योंकि तुझे उस मरकट की अधिक याद आती है। आया नहीं वो तुझे बचाने? आंखों से असत्य की पट्टी हटाइए, तभी मारुति का सत्य आपके सामने आ सकेगा। रुको भैया रुको, इसीलिए आप इस प्रतियोगिता को युद्ध समझ बैठे हैं। ये मैंने क्या कर दिया? उठो सुग्रीव, उठो सुग्रीव, उठो सुग्रीव। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, किंतु मुझ पर संदेह कर करके तुम मुझे बार बार क्रोध दिला रहे हो। सुग्रीव मेरे छोटे भाई, मैं ये सब अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, अपने परिवार और किष्किंधा के लिए कर रहा हूं, क्योंकि देवर्षि नारद जी की भविष्यवाणी है कि ये मायावी मरकट हम सबके नाश का कारण बनेगा। आपकी बातें सुनता हूं तो भैया बिल्कुल भी असत्य प्रतीत नहीं होती, किंतु जब बालक मारुति को देखता हूं तो मुझे वो मायावी नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि वो हमारे नाश का कारण बनेगा। कपटी और झूठे लोगों की संगत कभी किसी के लिए सुखदायी नहीं होती। वाली को मिलकर देवर्षि नारद ने उसे सचेत किया था कि यदि वो अधर्म और अहंकार के मार्ग पर चलेगा तो सर्वशक्तिशाली वानर योद्धा का साथ पाते ही सुग्रीव उसका साथ छोड़ देगा। किंतु वाली बार बार देवर्षि नारद के नाम पर सुग्रीव से झूठ बोलकर उसे मारुति के विरुद्ध भड़काने का प्रयास करता रहा। नारद जी की कही बात अभी से सच प्रतीत होने लगी है। अब ये सुग्रीव पहले वाला सुग्रीव नहीं रहा, किंतु मैं महानतम हार नहीं मानूंगा। जिस मायावी मरकट को तुम घातक मानने को तैयार नहीं हो, निश्चित ही एक दिन वो किष्किंधा के लिए घातक होकर रहेगा। मैं वर्तमान में जीता हूं भैया, भविष्य किसने देखा? हम वर्तमान में जो बीज बोते हैं भविष्य में हमें उसी की फसल काटनी पड़ती है। और जिस बालक को आप मायावी मानते हैं वो मेरी दृष्टि में एक अद्भुत पराक्रमी और अभोर बालक है। एक क्षण रुकिए भैया, मैं आपके मार्ग में कभी नहीं आऊंगा, किंतु यदि आप मारुति को नुकसान पहुंचाने का
तनिक भी प्रयास करेंगे तो मैं सुग्रीव सदा उसकी ढाल बनकर सामने मिलूंगा। तो मैं सुग्रीव मारुति की ढाल बनकर उसके सामने मिलूंगा। मारुति की संगति का प्रभाव सुग्रीव पर अभी से प्रकट होने लगा था। अब वो अपनी आंखें मूंदकर वाली की हर बात का विश्वास नहीं करता, बल्कि अपनी बुद्धि विवेक से विचार करने के बाद ही निर्णय लेता था। और पुनः मारुति के साथ क्या हुआ? बिना किसी सुरक्षा के कहीं जाना उचित बात नहीं है। कहाँ चले गए थे? पिताश्री, मैं पाठशाला गया था। मारुति के अकेले पाठशाला जाने से चिंतित हैं। पाठशाला के पास तो वृक्षासुर का निवास है। क्या हुआ पिताश्री? कुछ नहीं पुत्र, पाठशाला गए थे। पाठशाला अच्छी लगी आपको? हाँ पिताश्री। ठीक है, आप चिंता ना करें, कल से पाठशाला यही महल के प्रांगण में आ जाएगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब सोने का समय हो गया है पुत्र। जिसकी पूंछ उसके वश में ना रहे। कैसे किसी को बताऊं कि मेरी पूंछ मेरा कहना नहीं मानती? उसे कहता कुछ हूं और वो करती कुछ है, किसी को भी कैसे बताऊं? सभी मुझ पर हंसेंगे, जब माँ को पता चलेगा तो उन्हें भी बहुत दुख होगा। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हुआ पुत्र, नींद नहीं आ रही क्या? नींद कैसे आएगी पिताश्री, मुझे लोरी सुननी है। हाँ, लोरी तो तुम्हारी माँ सुनाती है ना, मैं अभी उन्हें बुलाता हूँ। अंजने, यहाँ शयन कक्ष में आ जाओ। लगता है तुम्हारी मां सुन नहीं रही है, चलो ढूंढ के आते हैं।
अंजने? माँ आप कहाँ हो माँ? अंजने? माँ। अंजने कहाँ हो प्रिय? माँ। माँ। माँ आप कहाँ हो? माँ। अरे आप दोनों पिता पुत्र यहाँ? क्या हुआ? नींद नहीं आ रही है? अरे यहाँ वहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, तुम्हारी लोरी के बिना नींद ही नहीं आती मारुति को। दो क्षण भी मेरे बिना नहीं रह पाए। अच्छा मान, यदि किसी कारणवश लंबी अवधि के लिए मैं तुम सबसे दूर चली गई, तब क्या करोगे? या यदि मुझे कुछ हो ही जाए, तब क्या करोगे? यदि मुझे कुछ हो ही जाए, तब क्या करोगे? ऐसे हो ही नहीं सकता माँ, यदि ऐसा हुआ तो मैं आपको ढूंढकर यहाँ वापस लौटा लाऊंगा। हादसे में भी ऐसी बात ना करना प्रिय, पुरुष अकेले सारे संसार पर नियंत्रण पा सकता है, लेकिन जब बात उसके परिवार और संतान के पालन पोषण की आए तो वो विचलित होकर टूट जाता है। स्वामी, मेरी मंशा आपको कष्ट पहुंचाने की बिल्कुल नहीं थी, मुझे क्षमा करें। हम दोनों का जीवन मारुति के लिए प्रिय है, ये बात सदैव स्मरण रखना। माँ चलो ना, मुझे नींद आ रही है, चलो ना माँ लोरी सुनाओ ना, चलो ना। केसरी नंदन।
मेरे आनंद धन, मेरे आमोद वन, ओ करता छन छन, यही कहता कन कन। पुकार रहा है, क्या हुआ है उसे? मैं यहां हूं पुत्र। क्या हुआ केसरी नंदन मारुति? क्या हुआ मेरे लाल? तुमने अपने नेत्र मूंद क्यों रखे हैं? माँ आपको स्मरण नहीं, आपने ही तो कहा था मुझे प्रातः नमस्कार मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। हाँ हाँ स्मरण है, किंतु तुमने पुकारा तो मैं घबरा गई थी। अच्छा चलो अब बिल्कुल सीधा बैठो। प्रातः उठते ही दोनों खुली हथेली को अपने सामने रखो, फिर नेत्र खोलकर हथेली को देखते हुए इस मंत्र का उच्चारण करो। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो महागौरी, कर मूले स्थितो महागौरी, प्रभाते कर दर्शनम, प्रभाते कर दर्शनम। अब अपनी हथेली का घर्षण कर मंद मंद गति से हथेली को शरीर के सभी अंगों पर स्पर्श करो। इससे शरीर के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच का आवरण बन जाता है, जो किसी भी कुदृष्टि के प्रभाव से तुम्हें सुरक्षित रखता है। अरे रे नहीं नहीं ऐसे नहीं, भूमि पर पांव रखने से पूर्व मंत्र उच्चारण करना चाहिए, तत्पश्चात भूदेवी को नमस्कार कर उनसे अवश्य क्षमा मांग लेनी चाहिए। मैं अभ्यास कराती हूँ। भू देवी से क्षमा मांगने का मंत्र है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्थन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शे क्षमस्व मे। समुद्र वसने देवी पर्वत स्थन मंडितम विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शं क्षमस्व मे। पुत्र तुम्हें इस मंत्र का ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? पाठशाला से माँ। आश्चर्य है इतनी शीघ्रता से तुमने स्मरण भी कर लिया। हाँ माँ। बाल्य अवस्था में जीव का चरित्र गीली मिट्टी के समान होता है, तो संस्कारों की विधि से उस गीली मिट्टी को कोई भी आकार दे सकता है। उचित समय पर उचित मात्रा में संस्कारों के जल से सींचा पौधा छाया से भरपूर वृक्ष बनकर अपनी और समाज की उन्नति के लिए सहायक हो सकता है। नहीं तो वही पौधा दुर्बल बेल बनकर समाज के लिए सदा एक समस्या या बोझ बनकर ही जीता है।
वो संस्कार ही थे जो वाली का मन उसी दुर्बल बेल के जैसा था। हाँ, वाली और सुग्रीव में यही तो अंतर था। जब सुग्रीव को इस धरती के सबसे शक्तिशाली योद्धा का सहयोग मिलेगा तो तुम्हारी हार होकर रहेगी। तुमसे भी शक्तिशाली योद्धा शीघ्र ही जन्म लेने वाला है। सुमेरु के शासक वानर राज केसरी का होने वाला पुत्र। महर्षि नारद जी की बात कहीं सत्य ना हो जाए, सुग्रीव का मेरे प्रति बदलता व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगता। ये सब मायावी मरकट के कारण। आहा, बड़ा शिकार स्वयं चलकर पास आ रहा है। उस मरकट के विषय में सोचते सोचते ये कहां आ गया हूं मैं। अरे, ये फल अपने आप कैसे आगे बढ़ रहा है। बचो भैया, तुम यहां क्या कर रहे हो। मेरे वन में आकर अब कहां भाग पाओगे तुम। दो बड़े आहार छूट गए। कहां छुपा दिया पाठशाला के वानरों को। प्रणाम महाराज।
आपके आदेशानुसार बालकों के लिए पाठशाला की व्यवस्था राजभवन के वाटिका में पूरी हो गई है महाराज। ये सभी बालक हमारे राज्य के लिए बहुमूल्य हैं, भविष्य हैं। इनकी सुरक्षा और इनके लालन पालन का दायित्व हमारे ही कंधों पर है। हमें हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य को निभाना होगा। अब इधर से बाहर नहीं जाया जा सकता। कोई ना कोई रास्ता तो अवश्य होगा बाहर निकलने का। मैं तुम्हारी सहायता नहीं चाहता। अरे ये तो हम सुमेरु राज्य की सीमा में आ गए। रुक्षासुर अत्यंत ही भयंकर और क्रूर राक्षस है, जो अपनी सीमा के भीतर आए मनुष्यों और अन्य प्राणियों की परछाई को पकड़कर जीवित ही चबा डालता है वो दानव। हम शमशादन वन की सीमा में कैसे आ गए भैया? मरकट, ये सब उस मायावी मरकट के कारण ही तो हो रहा है। यदि यह गुफा ऐसे ही खुली रही तो किसी दिन कोई ना कोई बालक उस राक्षस की पकड़ में आकर उसका भोजन बन सकता है।
वाह सुग्रीव, तुमने अनजाने में सही एक सुझाव दिया है। भैया ठहरो, मैं भी आ रहा हूं। आवश्यकता नहीं है मेरे पीछे आने की। अब देखना, माँ मारुति के नेत्र में अंजन लगाएंगी। क्या हुआ पुत्र, कुछ कहना है? कुछ नहीं मैं, बस ऐसे ही। मां, नेत्रों पे अंजन क्यों लगाते हैं? अंजन लगाते हैं क्योंकि इससे नेत्र स्वच्छ हो जाते हैं और दृष्टि तीव्र हो जाती है। मेरे लाल के दृष्टि की तीव्रता बनी रहे, इसीलिए माँ प्रतिदिन तुम्हें अंजन लगाती है। कान के पीछे तो नेत्र नहीं होते, तो वहाँ अंजन क्यों लगाते हैं माँ? ताकि तुम्हें किसी की कुदृष्टि ना लगे। हाँ, तो क्या कुदृष्टि वाले की माँ भी उसे अंजन लगाती होंगी? माँ, आप मारुति को तभी अंजन लगाया करोगी जब मारुति बड़ा हो जाएगा। हाँ, मैं सदा अपने लल्ला को अंजन लगाया करूंगी, क्योंकि एक माँ के लिए उसका लाल सदा बालक ही रहता है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए। आज का दिवस मेरे लिए अवश्य शुभ होगा। मायावी मरकट तुम्हारी मायावी लीला समाप्त करने के लिए वृक्षासुर के पास पहुंचाना ही मेरा अंतिम लक्ष्य है। आज मैं महानतम कोई ना कोई उपाय अवश्य ढूंढ निकालूंगा। इस मायावी मरकट की लीला समाप्त करने की योजना
कैसे बनाऊं? वाह नील, वाह! वाह! क्या पछाड़ मारा है! ऐसा बल प्रदर्शन देखने का अपना ही आनंद है। आनंद आ रहा है ना? चलो आगे चलकर देखते हैं। चलो मेरे साथ। हाँ? चलो। क्यों नहीं आ रहे हो? तुम्हें भय तो नहीं लग रहा ना? वो नहीं, मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ। अरे भय का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, चलो मेरे साथ, बहुत आनंद आएगा। जो वाली नित्य ही मारुति से पीछा छुड़ाना चाहता था, उसे मारुति का हाथ पकड़कर चलना पड़ा। यही तो आकर्षण का नियम है। हमारे विचार के कारण ही तो दूसरे मनुष्य हमारी ओर आकर्षित होते हैं। वाली दुष्ट विचार से ही सही, पर हर पल मारुति को याद तो कर ही रहा था, इसलिए वाली को मारुति का ही साथ मिलना था। वाह नील, वाह! वाह नील, वाह! क्या आप पाठशाला में पाठ करने आए हैं? नहीं, मैं यहाँ पाठ पढ़ने नहीं आया हूँ। तो आप क्या करने आए हैं? मैं क्या कर रहे हैं बताइए ना। क्या तुम एक ही हो? तुम मेरी पटकनी सह सकते हो, और मुझे लगता है यहाँ पर सिर्फ तुम ही हो जो सबको पटकनी दे सकते हो, और यहाँ पर किसी में दम ही नहीं है। इस बालक में अवश्य ही कोई बात है, किंतु बड़ा भोला लगता है।
इनकी पूछ इनकी कितनी बात मानती है, उनका कितना ध्यान रखती है। पाठशाला क्यों नहीं गए? पाठशाला नहीं जाता। पाठशाला क्यों क्यों नहीं जाते? क्या आपने अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है? यही उचित अवसर है, क्यों ना अभी ही इसे वृक्षासुर तक पहुंचा दूं। हाथ तो इसने मेरा पकड़ ही रखा है। इतनी प्यारी बातें करते हो, चलो भ्रमण करके आते हैं। हाँ हाँ चलिए। इतने बड़े हैं, परंतु आपको पता नहीं कि भूदेवी को प्रणाम करते हैं, उन पर थूकते नहीं। यदि किसी ने मुझे इस मायावी मरकट के साथ देख लिया तो संकट आ जाएगी। तत्क्षण यहां से निकल लेना ही उचित रहेगा। शिला पे अपनी मनोकामनाएं लिखी हैं, जिसे मैं ईश्वर के पास भेज रहा हूँ। समझ गए? पर तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मारुति है, किंतु तुम ये बताओ कि इस शिला पर अपनी मनोकामना लिखकर इस पानी में बहाने से क्या होता है? इससे हमारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। किंतु ये शिला ईश्वर तक पहुँचती कैसे है? ये भी नहीं जानते? बड़े भोले हो तुम। ये शिला झील से तैरते हुए नदी में जा मिलेगी और फिर नदी से सागर में। वहीं तो रहते हैं हमारे ईश्वर। ईश्वर हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। क्या मैं भी इस शिला पर अपनी मनोकामना लिखकर ईश्वर तक भेज सकता हूँ?
किंतु मारुति को तो लिखना ही नहीं आता, पाठशाला नहीं जाता, इसीलिए क्या तुम मेरी मनोकामना इस शिला पर लिख दोगे? सच में बड़े भोले हो तुम, इतना भी नहीं जानते। अपनी मनोकामना गुप्त रखनी चाहिए, हर प्रकार से गुप्त, ईश्वर के अतिरिक्त किसी को नहीं बतानी चाहिए अपनी बात, तब जाकर ईश्वर हमारी मनोकामना पूरी कर देते हैं। अब क्या करूं? इस नल को तो बहुत ज्ञान है, अपनी पूंछ की समस्या का समाधान इसी से पूछता हूँ। किस सोच में पड़ गए हो मित्र? मित्र त्र किसे कहते हैं ये तो बताओ। इतना भी नहीं जानते, मित्र यानी सखा। सखा वही होते हैं जो तुम्हारे दुख सुख में साथ निभाते हैं, छोटी बड़ी हर बात आपस में बांटते हैं और कभी साथ न छोड़ने का प्रण भी निभाते हैं। समझ गए? अब बताओ किस सोच में पड़ गए थे मित्र? स्मरण रहे मित्र, तुम मेरी व्यथा किसी को बताना मत। नहीं मित्र। तुम बताओगे तो नहीं ना? नहीं मित्र। मेरी पूंछ मेरी बात नहीं मानती। बस इतनी छोटी सी बात, दूध पिलाते हो अपनी पूंछ को? ये कैसे संभव है? पूंछ दूध कैसे पी सकती है? मुझे पुनः अपनी बात दोहरानी पड़ेगी। तुम इतनी छोटी सी बात नहीं समझते। अपनी पूंछ को शक्तिशाली बनाने के लिए हमें ही दूध पीना पड़ता है। तुम जितना दूध पियोगे उतनी ही तुम्हारी पूंछ शक्तिशाली बनेगी। समझ गए? पहले दूध, माँ भी कभी कभी बालकों की तरह हट करती हैं। अरे रे, पूरा पियो। अब पुनः किस सोच में पड़ गए मित्र? मित्र दूध, मैं दूध पीने जा रहा हूँ। मिलने अवश्य आना। हाँ अवश्य आऊंगा मिलने। मिलने तो मैं महानतम आऊंगा और उसके बाद कोई तुमसे नहीं मिल पाएगा। माँ, माँ। हाँ पुत्र। माँ मुझे दूध पीना है। युवराज के लिए दूध ले आओ। मुझे और दूध चाहिए। Thank you.
धैर्य रखो पुत्र, दूध मंगवाया है। यह तो बड़ा ही शुभ समाचार है, मेरे लाल को दूध प्रिय लग रहा है। हाँ माँ। मैं कुछ अधिक दूध लेकर आना ना। और चाहिए ना? माँ, और चाहिए। गौशाला में भेजा है और दूध लाने को। मारुति पुत्र, धैर्य रखो, गौशाला से दूध मंगवाया है। माँ, कोई बात नहीं, दोपहर को थोड़ा अधिक दूध मंगवा लेना, मेरा मन अभी तक भरा नहीं है। मैं अपनी पूंछ को दूध पिलाकर आया हूँ। तो विलंब किस बात का, परीक्षा कर लेनी चाहिए। ये देखो, चलो अब जाओ जाओ। क्या, मैंने तुम्हारे हिस्से का दूध भी पी लिया है। चलो अब जाओ, उस आम के पेड़ से मेरे लिए एक आम तोड़ कर लाओ। जाओ।
प्राणवल्लभ की शक्ति होती है ना। अच्छा तो प्राणवल्लभ, यह क्या विडंबना है, जब मारुति की पूछ तो स्वयं शक्ति रूपा है, तो उस पूछ स्वरूप शक्ति को वश में करने के लिए मारुति को इतना परिश्रम क्यों करना पड़ रहा है? इस रहस्य का आधार महादेव शिव और माता पार्वती का गुप्त संवाद है। जब महादेव शिव ने अपने अंश मारुति को वानर रूप में इस संसार जगत में भेजने का निर्णय लिया। हे शशि शेखर, अपने भ्राता के राम अवतार के विषय में मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही है, कृपा कर मेरी उत्कंठा का समाधान कीजिए। अवश्य प्रिय, राम अवतार जगत के पालनहार विष्णु जी का सातवां अवतार होगा। श्री राम का जीवन बड़ा ही लीलामय होगा और तब वानर कुल में जन्मा मेरा ही अंश अवतार श्री राम का नाम जपते जपते ऐसे ऐसे पराक्रम करेगा जिसे युगो युगो तक स्मरण किया जाए। श्री राम के साथ साथ मेरे उस अंश अवतार की कीर्ति भी बनी रहेगी। वानर रूप के उस अंश अवतार में मेरी क्या भूमिका रहेगी प्रभु? क्यों बताइए ना, आपके उस वानर रूप के अंशावतार में मेरी क्या भूमिका रहेगी? मेरे उस अंशावतार का एकमात्र उद्देश्य स्वयं को मेरे आराध्य श्री राम को समर्पित करना होगा। प्रिय राम, राम। आपका तात्पर्य है कि आपने मुझे स्वयं से दूर करने का निर्णय ले लिया? आप विस्मरण क्यों कर रही हैं प्रिय? मैं और आप दो नहीं, एक ही हैं। हमारा अर्धनारीश्वर रूप इस बात का प्रमाण है और समस्त सृष्टि में शिव के बिना शक्ति और शक्ति के बिना शिव का होना असंभव है। उचित है स्वामी, पर राम कार्य के लिए होने वाले आपके अंशावतार के संग मैं क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि मेरे उस बारह अंशावतार के लिए पिता पुत्र मित्र सखा सहचर सभी मात्र श्री राम ही होंगे। मात्र वह राम काज करेगा और इसी उद्देश्य वश वह आजीवन ब्रह्मचारी रहेगा। अच्छा, जैसे पत्नी अपने पति के लिए आभूषण होती है, उसी प्रकार वानर का आभूषण होती है उसकी पूंछ। अतः आपके इस वानर अंशावतार में मैं आपकी पूंछ बनकर आपके संग रहूंगी। तो स्वामी, यह संदर्भ अवश्य स्मरण रखिएगा, आपने मेरे बिना ही अपने अंशावतार को पृथ्वी लोक पर भेजने का निर्णय लिया है, इसीलिए मैं आपसे रुष्ट हूं। इसीलिए पहले अपनी रुष्ट शक्ति यानी पूछ को मनाना होगा, तभी मैं आपकी कोई भी बात मानूंगा। इसीलिए मारुति की पूंछ में भरपूर शक्ति है, मेरी बहन पार्वती की शक्ति। देवी सीता को ढूंढते हुए लंका पहुंचे मारुति ने अपनी शक्तिशाली पूंछ से पलभर में ही रावण की सोने की लंका को जलाकर काला कर दिया था।
इसीलिए अपने बाल्यकाल के समय ही अपनी शक्ति स्वरूपा पूंछ को मनाना मारुति के लिए आवश्यक था। कैसे, क्या किया मारुति ने अपनी पूंछ को मनाने के लिए? अब पूंछ को मनाने के लिए मारुति के साथ साथ मित्रों का साथ भी मिल गया था, जैसे सुषेण, नील, गंधमादन, तदीमुख और नल। कैसी है ये तुम्हारी पूंछ? वो तो बड़ों को देखकर भी कुछ ज्ञान नहीं लेती। हाँ, देखो ना, नहीं लेती ज्ञान। दूध पिलाने से भी नहीं? दूध पिलाने से हर शारीरिक समस्या दूर की जा सकती है। यानी अत्यंत हठी है तुम्हारी पूंछ। नटखट प्रतीत होती है। अरे, थोड़ा ज्ञान मुझसे ले लो। रूठी हुई पूंछ को मनाने की विधि है मेरे पास। लगता है तुमने अपनी पूंछ को वैरागियों की तरह छोड़ दिया है, इसलिए तुमसे वो रुष्ट है। इसे सजाए सवारा करो, इसका ध्यान रखो। आज नहीं बच पाएगा केसरी नंदन। इसलिए तुमसे रुष्ट है, इसकी मान प्रतिष्ठा का ध्यान रखो, इससे मित्रता करो। ये तुम्हारी पूंछ है, अवश्य मान जाएगी। हाँ हाँ, सच्चे कह रहा है ये। दृष्टि डालो मेरी पूंछ पर। शाली, मैं नित्य इसका ध्यान रखता हूँ। देखो देखो मेरी पूंछ, इसकी सज्जा देखो, मेरी माँ ने बांधा है इसे, है ना मेरी पूंछ सबसे सुंदर। वानर की पूंछ सबसे न्यारी और सबसे सुंदर होनी चाहिए, माँ कहती है, इसलिए कहता हूँ। थोड़ा ज्ञान मुझसे भी ले लो। वाह, क्या युक्ति निकाली है मारुति की उलझन भरी समस्या की। वाह नील, वाह, तुम्हारे बल और शक्ति के साथ साथ तुम्हारा ज्ञान भी श्रेष्ठ है। अब तो प्रसन्न होना मेरे मित्र, मैंने तुम्हारी समस्या का अचूक समाधान निकाल दिया है।
भी अपनी पूंछ का सिंगार करूंगा, तब अवश्य मेरी पूंछ मेरा कहना मानेगी। पुनः निकल गया मेरा आहार, मुझे बार बार ऐसे ना तड़पा, वरना वरना तुझे भी तड़पा तड़पा कर मारूंगा। आप ये क्या कर रहे हो? अपने पैरों में लाल लाल रंग क्यों लगा रहे हैं? बताइए ना। दासी मेरे पैरों में आलता लगा रही है। आलता? क्यों माँ? पांव पर आलता लगाने से क्या होता है? आलता औरतों का श्रृंगार होता है और हमारे सुहाग का प्रतीक भी, और आलता लगाने से मेरे पांव आकर्षक और सुंदर दिखते हैं। अच्छा, अगर मैं भी ये आलता अपनी पूंछ पर लगा दूं तो ये खुश हो जाएगी? हो गया। अंजने, अंजने। जी आर्य पुत्र। तुम्हें आलता लगाता हूँ, यहाँ पर आओ। आओ आओ मेरे पास, मैंने कहा ना आगे आओ। आओ मेरे लाल, अपने मुंह पर आलता लगा लिया। माँ, वो मैंने नहीं किया है। तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया? पुत्र उदास क्यों हो गए? मैं बता नहीं सकता, पर बताना तो चाहता हूँ, पर बताऊं कैसे? आप जानकर व्यथित हो जाएंगी। हाँ,
बात है, मैं व्यथित हो जाऊंगी, इसलिए मारुति अपनी माँ से ही कोई बात छुपा रहा है। भला माँ भी अपने संतान की बात से व्यथित होती है? इस दूसरी समस्या को जानने के बाद अंजना ने उन दोनों समस्याओं को सुलझाने का निर्णय लिया। प्राण वल्लभ, उसके बाद फिर अंजना ने क्या किया? समस्या जानकर मुझे व्यथा होगी, ये तो तुमने समझ लिया पुत्र। तुम्हें अब ये जानना भी आवश्यक है कि जब संतान अपने ही माता पिता से अपनी कोई बात छुपाती है, तब माता पिता के हृदय को कितनी ठेस लगती है। कुछ नहीं, मैं स्वयं ढूंढ लूंगी, आप व्यर्थ ही व्याकुल ना हो। माँ, आप मुझे बताइए ना। कुछ नहीं पुत्र, अपनी समस्या बताकर मैं तुम्हें चिंतित नहीं करना चाहती, मैं स्वयं ढूंढ लूंगी। तुम जाओ, क्रीड़ा का आनंद लो। औषधीय लेप, व्याकुल देख क्रीड़ा का आनंद कैसे ले सकता हूँ? आपको इस प्रकार अशांत देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेरे मस्तिष्क में पीड़ा हो रही है, औषधीय लेप ढूंढ रही थी, कुछ समय पूर्व ही रखा था, न जाने कहाँ चला गया। माँ, ये लेप मैं आपके मस्तक पर लगा दूँ? हाँ पुत्र,
अपना सिर मेरी गोदी में रखिए। मस्तिष्क में पीड़ा क्यों हो रही है? क्योंकि मेरा पुत्र अपनी माँ से ही अपनी समस्या छुपा रहा है और यह जानकर मुझे अत्यंत पीड़ा हुई। मारुति, माँ को पीड़ा में देख तुम्हें भी पीड़ा हुई ना? हाँ माँ। और यह जानकर भी पीड़ा हुई होगी कि मैंने तुम्हें अपनी पीड़ा सर्वप्रथम क्यों नहीं बताई? हाँ माँ, पीड़ा हुई। यदि आप सर्वप्रथम मुझे अपनी पीड़ा बता देती तो मैं आपकी समस्या का समाधान करने में आपकी सहायता अवश्य करता। ऐसे ही जब मेरा प्रिय पुत्र माँ को अपनी समस्या बताएगा तो माँ भी उसके समाधान में सहायता करेगी। समस्या मेरी पूंछ है, मेरी बात ही नहीं मानती। ओ, अच्छा, तो यह आपकी समस्या? किंतु यह तो नरवानरों की बात है, तुम्हें इस विषय में अपने पिताश्री से बात करनी चाहिए। पिताश्री से बात करूं? हाँ, तुम अपने पिताश्री को अपनी समस्या बताओगे तो वे तुम्हारी समस्या को अवश्य सुलझा देंगे। एक पिता अपनी संतान का पिता होने के साथ साथ संतान का मित्र भी होता है, वे अवश्य समझेंगे तुम्हारी बात। पिताश्री भी मित्र होते हैं? अंजना ने मारुति को कितनी सरलता से यह समझा दिया कि माता पिता ही पहले गुरु, मार्गदर्शक, रक्षक, शुभचिंतक और इन सबसे भी पहले अपनी संतान के मित्र होते हैं। माता पिता ही अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन देकर किसी भी विपत्ति से बचा सकते हैं। इसीलिए अपने माता पिता से किसी भी बालक को कभी भी कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। तो क्या मारुति ने भी केसरी को अपनी समस्या बताई? निस्संदेह।
पिताश्री की पूंछ कितनी शक्तिशाली है और उनका कहना भी मानती है। और मेरी पूंछ? कहना आसान नहीं होगा कि आपकी भुजाओं या पूंछ में से कौन सबसे शक्तिशाली है। वानर की पूंछ में बल ना हो, शक्ति ना हो, तो वो वानर कैसा? जी महाराज। सेवक, थोड़ा अच्छे से सेवा करना। वानर योद्धा का गौरव होती है उसकी पूंछ। पुत्र, क्या तुम्हें भी अपनी पूंछ की सेवा करवानी है? नहीं पिताश्री, मुझे सर्वप्रथम आपसे एक बात कहनी है। एक समस्या है। यहां आओ पुत्र। समस्या और हमारे पुत्र को? शीघ्र बताओ पुत्र। वो पिताश्री, सबकी पूंछ अपने अपने स्वामी की आज्ञा मानती है, पर मारुति की पूंछ मारुति की आज्ञा नहीं मानती। ऐसा क्यों पिताश्री? तुम्हारी समस्या तो अति गंभीर है पुत्र। अच्छा ये बताओ, क्या तुम अपनी पूंछ के साथ मित्रों जैसा व्यवहार करते हो, जैसा अन्य मित्रों के साथ करते हो?
मित्र, मित्र यानी सखा। सखा वही होते हैं जो तुम्हारे दुख सुख में साथ निभाते हैं, छोटी बड़ी हर बात आपस में बांटते हैं और कभी साथ न छोड़ने का प्रण भी निभाते हैं। पर पिताश्री, पूंछ कैसे मित्र हो सकती है? मित्र तो नित्य दुख सुख में साथ देते हैं, पर पूंछ कैसे साथ दे सकती है? हाँ पुत्र, वानर की पूंछ भी अन्य मित्रों की भांति होती है, सुख दुख में अपने स्वामी का साथ देती है। हमारी पूंछ हमारा गौरव होती है, जो युद्ध में हर क्षण हमारा साथ देती है, कभी ढाल बनकर और कभी अस्त्र शस्त्र बनकर, दुविधा में भी सुविधा का मार्ग प्रशस्त करती है। ऐसी होती है हमारी पूंछ। अब बताओ, हुई ना हमारी सबसे अच्छी मित्र? तभी तो कहते हैं, जितनी बलशाली पूंछ उतना शक्तिशाली वानर। इसीलिए अपनी पूंछ को मित्र बनाना अति आवश्यक है। अच्छा पिताश्री, पूंछ को मित्र बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? पुत्र, किसी को भी मित्र बनाने के लिए उसका सत्कार करना अति आवश्यक है। आदर दोगे, आदर पाओगे। तुम्हें अपनी पूंछ को पूरे जतन से मनाना होगा। तुम्हारी मित्र बनेगी तभी तो तुम्हारा कहना मानेगी। शंकर को साक्षी मानकर अपने अभद्र व्यवहार के लिए तुमसे क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा कर दो। मुझे तुमसे योग्य और सरल मित्र की तरह आचरण करना चाहिए था, पर मैं तुम्हें स्वामी के भांति आदेश दे रहा था। क्षमा करोगी? बोलो ना, क्षमा करोगी ना? हाँ या ना? Thank you.
अब मैं अपने भोले शिव शंकर को पुष्प कैसे अर्पित करूं? युद्ध में कभी ढाल तो कभी अस्त्र शस्त्र बनकर हर समय मारुति का साथ दोगी, तब तो आज से हम दोनों मित्र हुए। पर मारुति के मित्र का नाम क्या होगा? नाम 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 पिताश्री कहते हैं पूंछ वानर का कौरव होती है, इसीलिए तुम्हारा नाम होगा गौरवी। वानर राज केसरी की बताई युक्ति काम करने लगी थी। समस्या का समाधान तो निकल ही आता है, परंतु तब जब पिता और पुत्र मित्र बनकर साथ मिलकर समाधान निकालें। निस्संदेह अपनी रूठी पूछ के मानते ही सबसे पहले मारुति ने यह समाचार अपने सबसे अच्छे मित्र को बताने का निर्णय लिया, वो भी अद्भुत और निराले ढंग से। ये मारुति और उसकी पूंछ में मित्रता हो गई, हो गई, हो गई, हो गई, हो गई, हो गई, हो गई। अब तो मैं सबको बताऊंगा। सबसे पहले मैं ये बात पिताश्री को बताता हूँ। यही तो रखा था मैंने पत्र, कहाँ गया? सहायता के लिए धन्यवाद। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।